छोटी सी एक्टिविटी है और इसकी शुरुआत में आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। मेरे हाथ में एक 200 वाट बल्ब है जिसका मैंने कांच फोड़ दिया है, तो फिलामेंट आपको दिख रहा है, और एक छोटा सा बल्ब है जो टॉर्च का बल्ब होता है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और 9 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रखा है। सो एसी ले रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा सा जो बॉक्स है ये एसी को डीसी में बदल रहा है। एंड जैसे ही मैं इसकी स्विच को ऑन करता हूँ, आप देखना कुछ होता है। कुछ हुआ? इस बल्ब की और जरा ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन ये वापस बुझ गया। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, अब ध्यान से देखना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पे मेरी मैजिक एयर ब्लो कर रहा हूं। बल्ब क्यों जलता है? क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट हो जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है, मतलब सबसे दिक्कत जब आती है, हम बच्चों को ये बताते हैं कि रेजिस्टेंस में, अगर हम रेजिस्टेंस मतलब किसी भी तार को गर्म कर दें तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन उसको डेमो नहीं कर पाते। मतलब कैसे समझाएं कि यार देखो तार गर्म करने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है कि पहले क्या था, पहले बंद था, तो अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये ठंडा हो गया। लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो होना होगा तो ये गर्म होगा। तो शुरुआत में थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये ठंडा है, इसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो ये जल गया, अब ये गर्म है, तो अब उतना करंट इसको नहीं मिल रहा जितने करंट में ये जल जाए। अब उसको उतना करंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से ठंडा करना पड़ेगा। तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैं जैसे ही फूंक मारता हूं, मैं इसका रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूं, तो हाँ, तो ये इससे हमें और करंट मिलेगा और ये हमारा बल्ब जलने लग जाएगा। तो सिंपल सा, ये 200 वोल्ट क्यों लिया, क्योंकि जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम है, 100 का ज्यादा होगा।